तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सांगनिंग अपने साथियों के साथ एक जगह पर काफी पावरफुल क्रिएचर्स के साथ फाइट कर रही होती है, और अब वह क्रिएचर सांगनिंग और उसके साथियों को मारने ही वाला होता है कि तभी उस जगह पर सुयांग पहुंचकर उन सभी क्रिएचर्स को मार देता है। और अब सुयांग उनमें से एक क्रिएचर को पकड़कर अपने टियान सेक्ट ले आता है। अब टियान सेक्ट के सभी डिसाइपल्स एक एक करके उस क्रिएचर पर अटैक कर रहे होते हैं, पर उनमें से किसी के भी अटैक का असर उस क्रिएचर पर नहीं हो रहा होता है। अब यह देखकर कॉन्ग बोलने लगती है, आखिर यह किस तरह का मॉन्स्टर है? इसकी स्किन बहुत ही ज्यादा टफ है, जिस वजह से हमारे अटैक्स इसकी स्किन से टकराते ही डिस्ट्रॉय हो जा रहे हैं। वहीं खड़ा लुओ उस क्रिएचर को देखकर बहुत ही ज्यादा डर चुका होता है। वहीं खड़ा टियान सेक्ट का अल्केमिस्ट ज़ाओज़ेंग अपने पास मौजूद सभी एक्सप्लोजिव पिल को देखते हुए बोल रहा होता है, मैंने इस मॉन्स्टर को मारने के लिए यह थंडर एक्सप्लोजिव पिल बनाया है, इससे यह मॉन्स्टर पक्का मारा जाएगा। तभी साओ चिल्लाते हुए बोलता है, अब इस मॉन्स्टर के ऊपर टियान सेक्ट का सबसे पावरफुल डिसाइपल अटैक करेगा, और यह बोलते हुए वह उस मॉन्स्टर पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। पर तभी पीछे से ज़ाओज़ेंग थंडर एक्सप्लोजिव पिल को भी उस मॉन्स्टर के ऊपर फेंक देता है, और अब वह पिल सीधा साओ के सामने ब्लास्ट होता है, जिससे साओ उड़ते हुए जाकर ज़ाओज़ेंग से टकराता है, और अब साओ और ज़ाओज़ेंग दोनों ही वहां पर घायल हो जाते हैं। और अब साओ खड़ा होते हुए बोलने लगता है, बेवकूफ ज़ाओज़ेंग, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बीच में आने की? तभी क्विनमिंग और क्विंटियान ज़ाओज़ेंग के पास आते हुए बोलते हैं, सीनियर आप इस पिल को खा लो, इसे खाकर आपकी इंजरी ठीक हो जाएगी। पर ज़ाओज़ेंग उस पिल को नहीं खाता है, और अब वो है एक्साइटेड होते हुए बोलता है, मेरे एक्सप्लोजन पिल ने उस मॉन्स्टर को मार दिया, पर वह मॉन्स्टर अभी भी वहां पर जिंदा होता है। अब क्विंसू बोलने लगती है, एक्सप्लोजिव पिल और हमारे किसी भी अटैक का असर इस मॉन्स्टर पर नहीं हो रहा है, यह मॉन्स्टर सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। तभी सुयांग पीछे से अटैक करते हुए उस मॉन्स्टर को मार देता है, जो देखते ही लुओ सुयांग की तारीफ करने लगता है। तभी सांगनिंग सुयांग को बताती है कि उस जगह पर इस तरह के और भी कई सारे मॉन्स्टर्स हैं। यह सुनते ही सुयांग बोलता है, तो फिर चलो हम उन सभी मॉन्स्टर्स से मिलकर आते हैं। और अब वह सांगनिंग के साथ वहां से जाने लगता है। वहीं पर लुओ काफी ज्यादा डरा खड़ा होता है, और अब सांगनिंग और सुयांग के वहां से जाने के बाद वह चैन की सांस लेता है, पर तभी सुयांग उसे पकड़ते हुए अपने साथ ले जाने लगता है। अब सांगनिंग सुयांग और लुओ को उस जगह पर लेकर आती है और बोलती है कि यह जगह अजीब से मटेरियल से बनी हुई है। तभी सुयांग एक वॉल पर अटैक करके उस वॉल को डिस्ट्रॉय कर देता है, पर वह वॉल अपने आप ही रिकवर हो जाता है। और अब कई सारे मॉन्स्टर काफी तेजी से सुयांग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर सुयांग उन सभी को मार देता है। अब दो मॉन्स्टर काफी तेजी में लुओ पर अटैक करते हैं, पर लुओ अपने एक वेपन का यूज करते हुए एक मॉन्स्टर को मार देता है, पर तभी दूसरा मॉन्स्टर लुओ को वहां पर पकड़ लेता है, जो देखकर लुओ काफी ज्यादा डर जाता है, और अब वह सुयांग से मदद मांगने लगता है। तभी सुयांग एक फॉर्मेशन का यूज करते हुए उस मॉन्स्टर को वहां पर बांध देता है, और अब वह बोलता है, लुओ मुझे बताओ आखिर तुम्हें इस मॉन्स्टर के बारे में क्या पता है? लुओ बोलता है, मैंने आज से पहले इन मॉन्स्टर्स को कहीं नहीं देखा, पर मैंने एक एशियंट बुक में इनके बारे में पढ़ा है। आज से 1,00,000 साल पहले अचानक ही कहीं से यह मॉन्स्टर रियल वर्ल्ड में आ गए थे, और इन्होंने चारों ओर तबाही मचाना स्टार्ट कर दिया था। 5th ग्रेड के इमॉर्टल भी इन मॉन्स्टर्स का सामना नहीं कर सकते थे, और उस जगह 5th ग्रेड के इमॉर्टल भी इन मॉन्स्टर्स का सामना नहीं कर पा रहे थे, जिसके बाद सबसे पावरफुल मेजर सेक्ट ने आपस में हाथ मिलाया और उनके सबसे पावरफुल वॉरियर्स इन मॉन्स्टर्स को मारने लगे। पर इसके बावजूद इन मॉन्स्टर्स को कंट्रोल कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, पर एक दिन अचानक ही यह सभी मॉन्स्टर कहीं गायब हो गए। तभी सुयांग बोलता है, यह सभी बातें तुमने टियान सेक्ट के एक एशियंट बुक से पढ़ी है ना? लुओ हैरान होते हुए बोलता है, आखिर आपको इस बारे में कैसे पता चला? सुयांग बोलता है, डोंगमी ने मुझे बताया कि किस तरह तुमने उसे धोखा दिया था और उसके सबसे पावरफुल ट्रेजर्स को चुरा लिया था,
यह सुनते ही लुओ डोंगमी पर गुस्सा होने लगता है। उसी वक्त सुयांग उस मॉन्स्टर को आजाद कर देता है और अब वह मॉन्स्टर दोबारा से लुओ पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। पर तभी सुयांग उस मॉन्स्टर को दोबारा से बांध लेता है और बोलता है, मुझे अपनी सच्चाई बताओ। अब लुओ डरते हुए बोलता है, मास्टर सच बात तो यह है कि मैं एक ट्रेजर कलेक्टर हूँ और कई हजारों सालों से मैं अलग अलग जगह पर ढूंढ कर पावरफुल ट्रेजर्स को कलेक्ट कर रहा हूँ। तभी सांगनिंग बोलती है, तुम ट्रेजर्स को कलेक्ट नहीं करते बल्कि उन्हें चुराते हो। लुओ बोलता है, तुम मुझे एक चोर बोलो या फिर एक असली कलेक्टर, और मुझे ट्रेजर्स बहुत ही ज्यादा पसंद है इसीलिए मैं उन्हें अपने पास कलेक्ट करता हूँ। तभी सांगनिंग बोलती है, तो तुम इस वर्ल्ड में हमारे ओल्ड मास्टर का सीक्रेट ट्रेजर चुराने के लिए आए थे। लुओ बोलता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा और मैं उस ट्रेजर तक पहुँच भी गया था, और फिर इमॉर्टल्स और डीमंस को इस बारे में पता चल गया और फिर कुछ ऐसा हुआ जिससे इस दुनिया से बाहर निकलने के सभी रास्ते बंद हो गए और यहाँ पर मौजूद सभी इमॉर्टल्स और डीमंस इसी जगह पर फंसकर रह गए। साथ ही साथ वह ट्रेजर भी कहीं पर गायब हो गया और धीरे धीरे यहाँ की सिचुएशन खराब होने लगी। अभी सांगनिंग बोलती है, अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया, तुम हमारी यहाँ पर इसीलिए मदद कर रहे हो क्योंकि तुम उस ट्रेजर तक पहुँचना चाहते हो जिससे तुम उसे चुरा सको। लुओ बोलता है, मेरा पुराना प्लान यही था, मैं उस ट्रेजर को चुराना चाहता था पर फिर मैंने देखा कि मास्टर सुयांग भी एक ट्रेजर कलेक्टर है इसीलिए फिर मैंने अपना मन बदल लिया और अब मुझे समझ में आ गया है कि मास्टर सुयांग के साथ रहकर मैं और भी ज्यादा कीमती ट्रेजर्स को कलेक्ट कर सकता हूँ। अब यह सुनते ही सुयांग लुओ के पीछे मौजूद मॉन्स्टर को मार देता है और अब वह लोग वहां से आगे बढ़ते हैं। तभी लुओ बोलता है, अब मुझे यहाँ पर समझ में आया कि आज से 1,00,000 साल पहले अचानक वह सभी मॉन्स्टर्स कहाँ पर गायब हो गए थे। किसी पर्सन ने एक ट्रेजर का यूज करते हुए सभी मॉन्स्टर्स को इस जगह पर कैद कर दिया होगा और तभी से वह सभी मॉन्स्टर्स इसी जगह पर मौजूद है। और मास्टर सुयांग, यह काम जरूर आपके मास्टर का होगा पर मुझे यहाँ पर कुछ अजीब लग रहा है। आपके मास्टर के दिमाग में जरूर यहाँ पर कुछ बड़ा चल रहा होगा, इसी वजह से उन्होंने हॉन्गमैंग रैलम को बनाया और हॉन्गमैंग रैलम एक काफी ज्यादा अजीब जगह है और उन्होंने सभी डीमंस और इमॉर्टल्स को आपके साथ हॉन्गमैंग रैलम में कैद कर दिया और अब वह हम सभी लोगों को कठपुतलियों की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पर जरूर कुछ गड़बड़ है। तभी सुयांग रुकते हुए बोलता है, मेरे मास्टर कभी भी मेरे बारे में बुरा नहीं सोच सकते हैं और उन्होंने मेरे ही लिए हॉन्गमैंग रैलम को बनाया था जिससे मैं यहाँ पर ट्रेनिंग करके अपनी पावर को एक्सप्लोर कर सकूं। अब यह सुनते ही लुओ सोचने लगता है, मास्टर सुयांग बहुत ही ज्यादा भोले हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पर कितना कुछ चल रहा है और पिछले 10,000 सालों से अपर रैलम के सबसे ज्यादा पावरफुल डीमंस और इमॉर्टल्स हॉन्गमैंग रैलम में कैद है तो आखिर बाहर की दुनिया में अभी क्या चल रहा होगा, इसका कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता है। तभी सुयांग बोलता है, लुओ तो क्या यहाँ पर तुम मुझे कुछ और भी बताना चाहते हो। यह सुनकर लुओ को कुछ भी समझ में नहीं आता है। तभी सुयांग बोलता है, कोई बात नहीं, फ्यूचर में तुम मुझे उस बारे में बता सकते हो। और यह बोलते हुए अब वह आगे बढ़ता है। अब चलते चलते वह लोग एक जगह पर पहुंचते हैं जहां पर हजारों की संख्या में वह क्रिएचर्स मौजूद होते हैं और अब उन्हें देखते ही सांगनिंग बोलने लगती है, अगर यह क्रिएचर्स यहां पर आजाद हो गए तो यह पूरे हॉन्गमैंग रैलम को डिस्ट्रॉय कर देंगे और यहां पर रहने वाले सभी लोगों को भी मार देंगे। अब सांगनिंग की आवाज सुनते ही वह सभी मॉन्स्टर्स वहां पर जग जाते हैं और काफी तेजी से उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। पर तभी सुयांग अपने पास से एक स्पीयर बाहर निकालते हुए एक ही अटैक में उन सभी मॉन्स्टर्स को मार देता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।